खरीदा है। क्या? आज मैंने एक नया होटल खरीदा है, उसी को दिखाने के लिए तो मैं लेके चलता हूँ। देखिए, आज के दिन आपके लिए अशुभ है, इसलिए आप कुछ मत खरीदिए। अरे मैं शुभ और अशुभ को नहीं मानता। आज उस होटल का मालिक मुझे आधे दामों में वो होटल बेच के जा रहा है, और आज अगर मैं वो होटल नहीं खरीदा ना, तो अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा काम करने से चूक जाऊंगा। आओ आ जा। घबरा क्यों रहे? आते होंगे। मैं ये चाह रहा हूँ, ये जितनी जल्दी हो सके ये इस होटल को सिंघानिया आज तक के हवाले कर दूं, फिर वो जाने उसका काम जाने, और वो ढाबे वाला लौंडा उन्होंने मेरे नाक में दम रख कर रखा। आगे आगे। क्या बात है, शाहजहां ने जमीन पे मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था, और किसी ने क्या ये होटल बनवाया है? किसी ने नहीं, ये हमने बनाया है, क्योंकि दीवानी। अरे यार, दीवानी तो औरत होता है, तुम मर्द हो या औरत? नहीं, जो तुम कहता है वो हम नहीं है, और जो हम दिखता है वो हम है। हमें तो यार गलत फहमी हो गई, कोई बात नहीं। सारे कागजात, सारे कागजात तैयार हो गए, मैंने दस्तखत भी कर दिया है, समझे ना? तो मुबारक हो, आज से ये होटल तुम्हारा, आज से ये स्टाफ तुम्हारा, आज से ये टेंशन भी तुम्हारा। अरे ये होटल मेरा चलेगा, यहाँ का स्टाफ भी मेरा, वो भी चलेगा, लेकिन ये टेंशन कैसा? तुम्हारे मैनेजर को मैं पहचानूंगा कैसे? वो तो इस दुनिया का आठवें अजूबा है, आठवें अजूबा, देखते ही तुम उसे पहचान लोगे। अच्छा, वो आठवां अजूबा मुझे मिलेगा कहाँ भाई? इतनी जल्दी में ये सिग्नल खड़ा करके कहाँ जा रहे हो? कहीं तुम इत्तेफाक से इस होटल के मैनेजर तो नहीं हो? हाँ, ठीक को सलाह, मैं इस होटल का नया मालिक। ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा बांकापुर क्यों है? वो मैं बांकापुर का रहने वाला हूँ। अरे तो क्या बांकापुर में तुम्हारे जैसे सब आर ही चेहरे पैदा हुए? अरे सेठ जी, मैं बांकापुर से बांके डाल कर के वहाँ से गिर गया, तब से मैं ये दशा। ओहो, तो देख जो उल्टा पैदा हुआ हो उसकी लात खा ले, तेरा बाकापन सही हो जाए। अरे शेर जी, इत्तेफाक से मैं भी उल्टा पैदा हुआ हूँ। अच्छा, आपकी लात खुद भी दबानी चाहिए, तब से हड्डी में आ सका। अपने मारने से थोड़ी होगा, मैं भी उल्टा पैदा हुआ हूँ, एक बार तू मेरी लात खा के देख, शायद तेरा बाकापन सही हो जाए। आप मारोगे? हाँ मारूंगा ना, लेकिन अपना समझ के मारो। अपना समझ के मारने से निकलेगा नहीं, ठीक है? लेकिन धीरे मारिए, धीरे से भी मारने से नहीं निकलेगा, ठीक है? मार लीजिए। ये क्या? मैं रोज मालिश वाले को 5 रुपया दिया करता, आपको 10 दे रहा हूँ। अबे तू, मैं क्या तुझे मालिश करने वाला नजर आ रहा हूँ? गरीब का गुडला कैसे है, रख लेता हूँ। चल, मैंने तेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अरे आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, लेकिन आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर सकता। अरे यार, मेरी क्या है कि प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तभी तो पी के दीवानी होटल आधे दाम में आपको बेचने चला गया। क्या मतलब? ये आपकी होटल कंपाउंड में छोटा ढाबा, आदमी रहते यहाँ है, खाते वहाँ है, नहाते यहाँ है, धोते वहाँ है। इस ढाबे को तो मैं यूँ चुटकी बजा के उखाड़ के फेंक दूंगा। अरे ये पुराने में उखाड़ पाए तो क्या बोला? क्या बोला? चल ऐसा कर, उस ढाबे वाले को पेश कर। पेश करूँ? कोई मलाई है टूटी है, पेश करूँ? उसका खोपड़ी का गाँव गया हुआ है, जवाब ठीक से बात करना, वरना क्या कर लेगा वो? क्या कर जा? कर सकते हैं, लेकिन अपना भी कुछ वसूल है,
पहले बार आदमी को समझाते हैं, मान गवा तो ठीक, नहीं तो ऐसा बैंड बजाते हैं, ऐसा बैंड बजाते हैं कि जिंदगी भर पीटे हुए ढोल की तरह पीटता है। अरे राजा भैया वो वक्त टेढ़ी फिर है, नाम है अजगर सिंह, कानून को अपनी जेब में लेके घूम फिरता है। अच्छा तो साला हम कौन सा सीधा हूं? चलो आज की मीटिंग फिक्स करो, खड़ी कर देते हैं। ठीक हूँ सर जी, आप कह रहे हैं सर जी कोई गुंडा मुझे परेशान नहीं करता, सबसे बड़े गुंडे तो तुम हो। हाँ मैं बोलता हूँ, जाते हैं वो तो कुत्ते के खाने वाला है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसे चलता है कुत्ते के बिस्कुट। माइक इधर है इसलिए यहाँ मैं आ गया। क्या सर उधर जा, एक तो भी खा ले लेकिन भौंकना मत। अरे सुखीरा जी सुनने में आया है कि तो चावल में कंकर मिलाता है, चीनी में खिड़की मिलाता है, ऐसा भी नहीं करता हूँ, धनिये में घोड़े की नींद मिलाता है, ये भी नहीं करता सर जी, मिर्च में नींद मिलाता है, तीन दर्जन बांधे। अरे छोटू तीन दर्जन बांधे। और देखो नया साबुन भी आया है। और बहुत महंगा है, जैसे 100 रुपए की एक पीस। 100 रुपए की एक पीस जी, ठीक है ठीक है, 2 दर्जन बांध दे। अरे 2 दर्जन पूछ लो, ठीक है ठीक है जी। अरे जरा जल्दी करो मुझे बैंक भी जाना है। ठीक है सुखीराम जी सर, 5 किलो चावल जी, 10 किलो आटा जी, 5 किलो चीनी जी, 3 किलो नमक, 4 किलो दाल जी, बांध के ले जाऊंगा, पकाऊंगा, खाऊंगा, तब आके बताऊंगा। छोटू ऐसा लगता है कि आप सारा हिसाब पेमेंट कर देगा। हाँ, जा, ये सारा सामान बांध बांध। अगला पिछला मिलाकर कुल कितने हुए? अगला और पिछला ये हिसाब कर लिया हूँ सर जी, 9,999 और इस वक्त तुम्हारी जेब में कितने हैं? तो 3,000 रुपए तो मेरे पास में थे, मैंने सोचा कि साहब को जरूरत पड़ेगी इसलिए गड्डी में छोड़ दिया। अच्छा अच्छा और तुम्हारे पास कितने हैं? 2,000 3,000 5,000 ऐसा कर जाओ बैंक में डाल लेना, 10 रोज के बाद निकाल लेना, फिर नीम पूरे 1,00,000 हो जाएंगे। चलिए जा लिख लेना और भूल जाना। जी सर जी, अरे छोटुआ क्या कहा, लिख लेना और भूल जाना, अरे तो लूट के चला गया, सारी दुकानें बर्बाद कर दिया, बंद कर देता था।
मेरा नाम इंस्पेक्टर अजगर सिंह है। अजगर सिंह तो क्या गरीबों का निकल जाएगा, उनका माल खाएगा? अबे ये इलाका मेरा है, मैं जो चाहूंगा वो कर सकता। तू रोक सकता है? कौन होता है तू? अच्छा मिनिस्टर है, पीएम है, सीएम है, प्रिंसिपल है, चपरासी है, तो मेरे पास भी एक तिलस्मी बंबू है। ऐसा बंबू लगाऊंगा कि जिंदगी भर बंदर का नाच नाचेगा। अगर 24 घंटे के अंदर इन गरीबों का खाया और माल वापस नहीं किया ना, तो तेरा ट्रांसफर करा दूंगा ट्रांसफर। तो बेटा तू भी बात खोल करके सुन ले, अगर मैं भी तुझे ऐसे केस के लपेटे में लूंगा कि जिंदगी भर जेल की चक्की चलाता रह जाएगा। अच्छा तो जरा इधर घूम और टोपी ऊपर कर। बोल। अरे टोपी ऊपर कर। कुछ नहीं होने वाला है क्या? कुछ नहीं होने वाला है। अरे तू बहुत जल्द पे पकड़ने वाला है। क्या कहा है सर? मैं लटकने वाला हूँ। हाँ सर। हाँ जी मैं लटकने वाला हूँ। नहीं तो ठीक है ना, टोपी उठाओ। अब देखो बताओ टोपी के पास क्या है।